सरफेस एनर्जी, वेरी गुड। आ जाओ सारे बच्चे, देखो ध्यान से, सारे डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन और डायमेंशन पढ़नी है अपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इनको खत्म करेंगे अपन, दो मीटिंग लेकर। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा आशिता, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी? सर एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन एरिया, तो देयर इज ए लिटिल बिट चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी कोई भी एनर्जी आप देखोगे यही आएगी। अब सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या होती है? इट इज द एनर्जी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। जैसे कोई तबला होता है, तबले को मेम्ब्रेन को अपन स्ट्रेच करके रखते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग समझो, तो स्प्रिंग को अपन खींच कर रखते हैं, तो स्प्रिंग में एक एनर्जी होती है। ऐसे तबले का एक सरफेस है, उसको अपन खींच के रखते हैं, तो उसमें एक एनर्जी होती है, समझ रहे हो? तो वो एनर्जी सरफेस एनर्जी होती है। तो बेसिकली सरफेस एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं एनर्जी अपॉन एरिया लिखता हूं, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी बताओ? सारे बच्चे बोलेंगे एम वन टी माइनस टू अपॉन एल टू, एरिया एल टू हो गया, तो ये हो गया एम वन टी माइनस, ये डायमेंशन एम वन टी माइनस, एल टू से एल टू कैंसिल हो गया। किसी और का भी डायमेंशन ऐसा आया था क्या? याद करो, चेक करो, किसी और का डायमेंशन भी ऐसा आया था? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का, वेरी गुड, समझ रहे हो? तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों क्या है बेटा? एक जैसी है, बोथ आर सेम, समझ रहे हो? तो अगर तुमको सरफेस एनर्जी का कभी डायमेंशन याद भी नहीं रहे, तो सरफेस एनर्जी किसके जैसा लगता है? सरफेस टेंशन के जैसा लगता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? एफ अपॉन एल। तो मुझे बताओ, क्या दोनों डायमेंशन याद करने की जरूरत है कि सिर्फ एक याद कर लोगे तो चल जाएगा? एक याद कर लोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। हाँ चलो, अब अगला बोलो बेटा, सारे याद करूंगा, अगला बोलो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेरी गुड। अब समझो आप, आ जाओ सारे बच्चे इधर। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब आपको फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी जिनके आगे ग्रेडियंट लगा हुआ होगा, बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारी मिलेंगी जिनके आगे ग्रेडियंट लगा हुआ हो। अब जिसके आगे भी ग्रेडियंट लगा, मान लो पंकज ग्रेडियंट है, ऋषि ग्रेडियंट, समझ रहे हो, राघव ग्रेडियंट, किसी के आगे भी ग्रेडियंट लगा हुआ हो, उसको डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दो। जो भी क्वांटिटी जिसके आगे ग्रेडियंट लगा हुआ हो, हमेशा क्या कर दो? डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि जिसके आगे ग्रेडियंट लगा हुआ होता है, उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड करते? डिस्टेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं वेलोसिटी को लिख दूंगा वेलोसिटी अपॉन ग्रेडियंट, डिस्टेंस सॉरी। और प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल वन टी माइनस। देखो, बोलने से क्या याद होगा, बोलोगे तो याद हो जाएगा बिल्कुल। अब मेरे सामने होते ना तो ठोक पीट के बुलवाता है ना, ऐसे मुक्का मारता पीछे, तब ऐसे बोलते उल्टी करते तुम शब्दों की। अब सामने नहीं हो तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया L1, L1 से L1 कट गया, तो ये T-1 के बराबर आया। याद करो, किसी और का डायमेंशन भी T-1 था। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। तो आप इसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, याद रख लेना, याद रख सको तो, अदरवाइज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसके आगे भी ग्रेडियंट लगा हो, यहां लिख लेते हैं जिसके आगे भी, जिसके लिखने नहीं आता मेरे को कभी, जिसके सही लिखा गया, जिसके yes, sir. आगे ग्रेडियंट लगा हो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है? चलो चेपो,
सारे डायमेंशन याद करा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। टेंशन तो बस एक बात की लो, तुम टाइम पे 1500 रुपए जमा करा दो बस, बाकी पढ़ाने की टेंशन मेरे पे छोड़ो। सर बोलना नहीं है क्लास में, बोला कैरियर खत्म, क्या डाउट है क्या? नहीं सर, मेरे को ही पूछना है, जब ऑफलाइन स्टार्ट होंगे सर तब। पर्सनल डाउट आप चैट बॉक्स में पूछो, जब भी होंगे आप चैट बॉक्स में पूछो। और ऑफलाइन का तो भूल ही जाओ, तुम कोई सीन नहीं है, और कोई भी क्वेरी वेरी हो पूछ लेना। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है ना बेटा यहाँ? चलो मिटा दूं। यस सर। अरे बड़ा, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, अब मुझे बताओ प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, दिस इज प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। सीधी बात, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, अगर याद नहीं हो, और डिस्टेंस। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बोलो? याद करने बोला था m1 l1 t माइनस टू, और एरिया का l स्क्वायर, और डिस्टेंस का l1 से l1 कट गया, तो m1 l माइनस टू t माइनस टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। फटाफट आज केस आएंगे 4 लाख, कल आए थे 4,18,000। तो तुम तो भूल जाओ, पिछली साल भी 11वीं कोई ऑफलाइन नहीं हुई थी, सीधे एग्जाम हुए थे, जब पिछले साल 50-50, 60-60 हजार केस आ रहे, तो 11वीं को तो कोई नहीं करने वाला ऑफलाइन। तुम्हारे एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, सब कुछ ऑनलाइन होना है, भूल जाओ ऑफलाइन। 12वीं में पता नहीं क्या होगा, दिस इज अ फैक्ट, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ जो फैक्ट है, और मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा ऑफलाइन की, क्योंकि कल को फिर दिक्कत हो जाती है फालतू में। ऑनलाइन कंप्लीट ईयर गारंटी लेता हूँ, ऑफलाइन की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है मेरे पास किसी काका जी के पास ही नहीं, भूल जाओ। तुम कभी तुम्हारे स्कूल का मुंह देख लोगे इस साल में। अभी तो तीसरी लहर और बता रहे सितंबर में, पता नहीं क्या है साला, पैनडेमिक है कि साला समुंदर है, बार बार लहरें ही आ रही, तो भूल ही जाओ तू। इसलिए अपना माइंडसेट वैसे ही बना के रखो। कई बच्चे क्या, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, मैं दो चार बातें क्लियर कर दू। चलो हाँ, ऑनलाइन की फुल गारंटी है, पूरी साल पढ़ूंगा, 2-3 बार कोर्स करवा दूंगा बस। ठीक है, अब देखो फोर्स एरिया डिस्टेंस, तो ये आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। जिसके आगे ग्रेडियंट लगाओ किससे डिवाइड करना है? कुरकुरे खा रहे हो बैग में बैठे बैठे, समझ रहे हो, चिप्स खा रहे हो, खाने की खुशबू ले रहे हो, मम्मी क्या बना रही, इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। वहां एंड से सिंसियर रहो, इधर से पूरा मिलेगा सब कुछ। अगला बोलना बेटा आशिता। प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, मैंने क्या बोला भाई, एनर्जी किसी के कारण भी हो, एनर्जी तो एनर्जी होती है, बस एक्सेप्शन कौन सी एनर्जी होती है,
अरे बोलो मेरे साथ, सरफेस एनर्जी, वेरी गुड। और सरफेस एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, वेरी गुड, है ना। तो भाई एक सारी एनर्जी का डायमेंशन एक जैसा, बस प्रेशर एनर्जी का भी वही है, बस सरफेस एनर्जी का अलग है। और सरफेस एनर्जी क्योंकि सरफेस टेंशन से आती है इसलिए उसका डायमेंशन उसके बराबर होता है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो सरफेस प्रेशर एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी के बराबर ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस। बात समझ में आई? अरे हाना बोल दिया करो भाई। अगला बोलो सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेरी गुड, मजा आ गया। ये इसमें ना तुम्हारी बुक में ऐसे स्टार 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 करके लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीख, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ ना उसको नहीं ध्यान देना, उसका कोई मतलब नहीं है। बुक में जो फॉर्मूला दिया वो याद नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ क्या होता, समझो, समझते, थोड़ी बहुत चर्चा करते थे, चर्चा करने से क्या याद हो जाए। जैसे अपने पास ये कोई लिक्विड होता, मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, समझो। जैसे अपने पास ये ए, अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, इधर बहुत सी जगह बारिश हो रही है, ठीक है, हर जगह बारिश हो रही है। अब जो बारिश की ड्रॉप होती है, बारिश की ड्रॉप, अभी देखना एक मस्त चीज बताऊंगा आपको ना, तो बारिश की जो ड्रॉप होती है ना, समझना आप, नॉर्मल अपन एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, बादल कितनी हाइट पे होता है बताओ? एक नॉर्मल क्लाउड कितनी हाइट पे होता होगा? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 2000 मीटर, चलो 1000 मीटर। तो मतलब एक क्लाउड जो है वो 1000 मीटर की हाइट, ये बादल है और ये 1000 मीटर की हाइट, ठीक है। अब सोचो जो तुम्हारे टपली पर ड्रॉप आके गिरती है वो 1000 मीटर की ऊंचाई से आगे गिरती है, समझ रहे? तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो 1000 मीटर की ऊंचाई से आगे गिरती है, ठीक है। चलो अपने को वेलोसिटी निकाल, तो ये 1000 मीटर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2S। अपन ये सोच रहे हैं कि भाई साहब जब वो अपनी टपली पे आके गिर रही है तो उसकी स्पीड है भी, तो v square मेरे को बतानी है, u square जीरो है, और एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा 10 मीटर पर सेकंड किसी भी बॉडी का जब गिरती है, और 1000 मीटर, तो इसका मतलब 20,000 मीटर पर सेकंड, यही आएगा बेटा, 4 जीरो आ जाएंगे, तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 100√2 मीटर पर सेकंड, यही आएगा। अब 100√2 मीटर पर सेकंड कितनी बड़ी स्पीड होती है? बहुत बड़ी स्पीड होती है। इतनी स्पीड से अगर बूंद तुम्हारी टपली में गिर जाए ना, छेद कर दे, समझ रहे हो, तो क्या हुआ? तो मतलब जब ड्रॉप गिरती है बादल से तो क्या 100√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है क्या? नो सर। बेटा तुम्हारी स्किन में टकरा जाएगा ना, रेडनेस कर दे जहां जहां ड्रॉप पड़े। तो इसका मतलब जब वो हवा में से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड को कोई कम कर रहा है। कौन कम कर रहा है मुझे बताओ? विंड, विंड सर, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो उसे रेजिस्ट करते हैं। हाँ, अपन ये कहें, वेरी गुड, एयर का फ्रिक्शन कौन कम कर रहा है? ड्रैग, एयर का फ्रिक्शन, ठीक है, कौन कम कर रहा है बेटा? एयर का फ्रिक्शन जो है वो कम कर रहा है उसकी स्पीड। तो ये जो एयर का फ्रिक्शन होता है ना, ये इसको कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस, इट इज नोन एज विस्कस फोर्स, इसे कहते हैं विस्कस फोर्स, मतलब एयर फ्रिक्शन, व्हाट इट इज, एयर फ्रिक्शन, ठीक बेटा। ये जो एयर का फ्रिक्शन होता है ना, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊं। देखो एक तो मान लो इस ड्रॉप का रेडियस आर है, तो एयर का जो फ्रिक्शन होता है, जो विस्कस फोर्स होता है,
वो डिपेंड करता है रेडियस पर, इसके रेडियस पर कि इसका रेडियस कितना ड्रॉप था, तो डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी, किस पर डिपेंड करता है बेटा, इसकी वेलोसिटी पर। और तीसरी चीज डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या सिंबल क्या दिया हुआ बेटा आशिता बुक के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कोई सिंबल दिया हुआ है? वही लिख देता हूं मैं। नो सर वो नहीं लिख, नहीं कोई सिंबल नहीं दिया हुआ। ठीक है तो अपन नीटा मान लेते हैं, लेट इट बी नीटा। ये तो रेडियस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और ये डिपेंड कर गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसमें तीन चार मिनट वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये तुमको एक नंबर देके जाएगा जो भी तुम्हारा यूनिट टेस्ट क्वार्टरली फॉर्टरली एग्जाम होगा उस, ईमानदारी से अगर दोगे तो। तो एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इन सब के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब अगर मैं देखूं तो विस्कस फोर्स भी देखो, ड्रॉप जितनी बड़ी होती है ना एयर का फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर जितनी बड़ी ड्रॉप हो एयर का फ्रिक्शन अगर कम लगे तो सर में लगे तो खत्म, खेल खत्म, समझ रहे हो। दूसरा, एयर उस ड्रॉप की स्पीड जितनी ज्यादा होती है ना, अगर ज्यादा ऊंचाई से गिर रही है तो ज्यादा स्पीड आएगी, तो इसलिए एयर का फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके। तीसरा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो विस्कस एयर की विस्कोसिटी कितनी है, एयर कैसा है, समझ रहे हो। एयर जो है वो कैसी है, एयर डेंस है, एयर डेंस नहीं, एयर पतली है, हवा पतली है, हवा डेंस है। जैसे अपन देखते ना वाटर और ऑयल, ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा, ऑयल ज्यादा गाढ़ा है और वाटर कम गाढ़ा है, तो वो है विस्कोसिटी, विस्कस, विस्कस इंग्लिश का वर्ड है, समझते होंगे। जब भी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो विस्कस फोर्स कॉन्स्टेंट होता है 6 pi ηr। अब ये फॉर्मूला आपको रट ले, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। विस्कस फोर्स तो समझ में आया सबको? यस सर। हाँ यस सर। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथ बोलोगे, चार बार बोलोगे रटा जाएगा, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला है। 6 pi ηr क्या होता है बोलो, सब साथ में बोलो, 6 pi ηr, 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 6 pi η
याद हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ, चार बार बोलोगे याद हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बोलो। बस याद हो जाता है। और आपको किसका डायमेंशन चाहिए? नीटा, नीटा का, समझ रहे हो? चलो निकाल के बताओ सब इसी फॉर्मूले को। बुक वाला फॉर्मूला भूल जाओ एक बार, ये जो मैंने बताया इससे करो, ये नोट कर लो और ये लगा लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, हाँ जो याद नहीं रहता है टफ है और इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता जाऊंगा, टेंशन मत लेना। यस गरिमा, सर दो लिक्विड्स के बीच भी विस्कस फोर्स होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड लिक्विड के बीच में भी विस्कस फोर्स, समझ रहे हो? ओके सर। लेयर्स, आगे अपन हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें और क्लियर। बताओ बेटा मैं, ये तो बना लिया हुआ इधर ये वाला, ये सब तो अब क्या इतनी चर्चा हो गई ना बेटा, अब तुमको पता चल गया ड्रॉप तपती स्पीड ज्यादा, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद रहेगा और विस्कस फोर्स का मतलब पता चलेगा। डायमेंशन में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को याद करने में, कि साला ये पता ही नहीं होता है कि ये क्वांटिटी क्या बोला है, और ऐसे रटनी पड़ती है, ऐसे भारी भरकम शब्द लगते हैं। अब हम इसको समझ लेते हो तो आपकी दोस्ती हो जाती है इससे, फिर आपको आसान है। तो 6 पाई मीटर डायमेंशन बताओ बेटा इसका सॉल्व करके, तो एफ बी इक्वल टू 6 पाई मीटर आरबी। मेरे को तो नीटा का डायमेंशन चाहिए, तो नीटा होगा फोर्स विस्कस फोर्स अपॉन 6 पाई आरबी। ठीक है बेटा, नीटा का डायमेंशन चाहिए तो नीटा को ले लो खोपचे में, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2
और 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, रेडियस का L1 है और वेलोसिटी का L1 T माइनस, ठीक है। तो नीटा कैन बी रिटन एज, देखो L1 से L1 कट गया, M1 L माइनस 1 T माइनस, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलो बेटा देखो ये रिपीट करूंगा बेटा। यस सर। हाँ देखो विस्कस फोर्स जो किसके बराबर है, 6 पाई नीटा आर वी। तो मेरे को तो नीटा का चाहिए डायमेंशन, तो नीटा आ गया एफ वी अपॉन 6 पाई आर वी। अब 6 पाई एक कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है, पाई 3.14 एक कांस्टेंट है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। विस्कस फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 l1 t माइनस 2, फोर्स फोर्स होता है तो डायमेंशन हो गया m1 l1 t माइनस 2, और r का डायमेंशन हो गया l1 और वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया l1 t माइनस 1। अभी एक l1 से l1 कट गया, तो ये अब m1 ये ऊपर जाएगा l की पावर माइनस 1, अब ये t माइनस 1 से t माइनस 1 कट गया तो t की पावर माइनस 1। आया समझ में? यस सर। चलो चेपो 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 फटाफट चेपो। ठीक है बेटा, तो एक बार दोबारा बोलो सारे बच्चे, जोर से बोलना, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बोलो, एफ इक्वल टू 6 पाई आर। हाँ जोर से बोलना सब, जय माता दी मत बोल देना, जोर से बोलना, क्या होता है बेटा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला? 6 पाई आर वी। याद हो गया। अब बुक में देखो, बुक वाला फॉर्मूला क्या 7 जन्मों तक याद हो सकता है? याद ही नहीं हो, उल्टे लेटक जाओ तो ही याद नहीं हुए हो, फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पता नहीं क्या क्या है, बस F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी चेपोर आंसर। आशिता बेटा अगला बोलना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल। हाँ अब आ जाओ। अब तक बेटा क्या हुआ समझ, अब मैं पूरी कहानी बताऊंगा इसमें सारे बच्चे समझना। देखो बेटा अब तक क्या हुआ, अब तक अपन ने लीनियर मोशन का देखा कि कोई बॉडी सीधे सीधे जा रही है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उसके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, ये सब अपन ने पढ़ा समझ रहे, उसका मास एम होता है। परंतु जब कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, समझ रहे गोल गोल घूमती है, तो वो कौन सा मोशन हो जाता है? रोटेशनल मोशन हो जाता है। लीनियर मोशन से ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशनल मोशन में हो जाता है। तो जब कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करती है भाई, ऐसे गोल गोल घूम रही है, लेकिन डिस्टेंस के साथ वो क्या ट्रेवल करती है बेटा? एंगल। क्या ट्रेवल करती है? अरे एंगल। एंगल। तो इसका मतलब अगर मैं इधर देखू तो इधर समझना, ये मेरे पास इधर लीनियर क्वांटिटीज है जो अपन पढ़ चुके हैं और उनके एवज में मतलब उनके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल क्वांटिटीज भी। अब बेटा आपको ना ये समझना अच्छे से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत बार ये सब आता है और बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे पहले इधर होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी सीधी सीधी चल रही है तो यहां डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या होता है, या तो एंगल में चलता है भाई सब कुछ, रोटेशन एंगल। मतलब एंगल, तो यहां डिस्प्लेसमेंट के बदले होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो शब्द बता रहा हूं ना वो ध्यान रखना, बस तुम तो बिल्कुल समझ नहीं आ जाएगा सर। यह होती है वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट शब्द होता है, और यहां उसकी जगह कौन सी वेलोसिटी होगी बताओ,
एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तुमको सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बिल्कुल, इससे अगला डायमेंशन वही है ना बेटा आशिता, एंगुलर वेलोसिटी है ना. यस सर. हां, इसलिए सब सब. हां बेटा, जोर से बोलना. उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट है सर, एंगुलर वेलोसिटी. आगे आगे बता रहा हूं. अब यहां होता है एक्सेलरेशन, और यहां एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. बहुत मजा आया, कोई दिक्कत वाली बात. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अब आ जाओ, अब आ जाओ मतलब वहीं रहो, यहां ध्यान इधर दो, यानी कि तुम उठ के चल पड़ो. अब आ जाओ, अब आ जाओ, इधर आता है मास. मास की जगह यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्जी. थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ तो अजीब लगेगा बेटा, कुछ सब कुछ तो मैं कैसे रिलेट कर सकता. इसका सिंबल होता है आई. आई क्या होता है? आई. ये क्या होता है बेटा? कोई बॉडी रोटेट करती है जैसे ये बॉडी है, इसका मास एम है, तो मास की जगह आता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये बराबर होता है उस बॉडी का मास इनटू जिस में घूम रही है उसका रेडियस का स्क्वायर. इसके बराबर होता है, मतलब जो काम यहाँ मास करता वो काम यहाँ कौन करता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा सा अलग है बस, क्या करे बेटा, थोड़ा सा अलग है ना. और इधर होता है फोर्स, और यहां फोर्स नहीं होता, यहां जो फोर्स का रोल अदा करता है वो क्या होता है? टॉर्क. टॉर्क, समझ रहे हो? तो ये क्वांटिटी है. अगली यही सब क्वांटिटीज है ना बेटा आशिता, अगली पांच छह क्वांटिटीज. यस सर. देखो मेरे को सब पता है, बुक नहीं है तो भी. तो यही चीज है. अब मैं आपको याद करूंगा, सबको याद करूंगा. देखना, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन सी आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बोलो बोलो, सब जोर से बोलो. वेलोसिटी की जगह कौन सी आएगी? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एक्सीलरेशन की जगह क्या आएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, वेरी गुड. मास की जगह क्या आएगा? मास की जगह थोड़ा सा बदलाव है. मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू जो बॉडी रोटेट कर रही है, मास इनटू जिस रेडियस में वो घूम रही है उसका स्क्वायर. फिर फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क. याद रहेगा सबको? यस. डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन. मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया. समझ रहे हो? टॉर्क. फोर्स की जगह टॉर्क. अब तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी बाइक वगैरह, तो बाइक वगैरह में रीडिंग वो किसकी आती है? रीडिंग किसकी आती है? टॉर्क की आती है ना बेटा. अरे यार yes. वो बोलते हैं ना अपाचे का टॉर्क ज्यादा है, स्पोर्ट्स बाइक का टॉर्क ज्यादा होगा, प्लेटिना का टॉर्क ही नहीं होता है. फिर गाड़ी में अपन रेस देते तो एक टॉर्क का भी तो आता है स्क्रीन पर, तो जो रोटेट करवाने वाला फोर्स होता है वो कौन होता है? बोलो जोर से बोलो सब. तो नोट करो, फिर सब इनके डायमेंशन निकालेंगे अभी अगले वीडियो में. डायमेंशन दोबारा ज्वाइन होना है सबको सेम आईडी पे, पूरे 41 की 41 चाहिए. कल तक तो सब क्लियर हो जाएगा, तो फिर जो बच्चा अब्सेंट रहे घर पे फोन ठोक दूंगा मैं उसके. और अभी मेरे को टेस्ट भी लेना है, हर 15 दिन टेस्ट होगा, पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं. उसका रिजल्ट आएगा बिल्कुल, रैंक वाइज शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप.